दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। मांझीलाल धाम, रजवाड़ा या कहेंगे बिरारी, ललितपुर का ये स्थान है जहाँ पर लोग लगातार आ रहे हैं और उन्हें आराम मिल रहा है। यहाँ पर दावा किया जाता है कि जो असाध बीमारियाँ हैं वो यहाँ पर ठीक की जाती हैं, 10 से 15 मिनट में उन्हें आराम लगता है। लगातार खासतौर से कैंसर के जो मरीज हैं उनको ठीक करने का दावा यहाँ पर किया जा रहा है। हम लोग लगातार आ रहे हैं और ये देख भी रहे हैं कि जो लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, कहेंगे परेशान हैं, जिन्हें किसी ना किसी बीमारी से वो ग्रस्त है, चाहे ऊपरी वादा हो, चाहे गठिया वाय हो, चाहे थायराइड हो, चाहे आपकी कहते हैं शुगर हो, कैंसर हो, तमाम बीमारियों के यहाँ पर दावे किए जा रहे हैं। और ऐसी बीमारियाँ जो लगभग 10-15 साल से लोग परेशान हैं, 5-5 साल से भी कई लोग परेशान हैं, मानसिक तौर पर कई ऐसी बीमारियां हैं जो मेडिकल साइंस से के हटके हैं और लोग कहीं ना कहीं इलाज भी कराते हैं लेकिन उन्हें आराम नहीं मिलता है। माँ अंजीलाल धाम रजवाड़ा में वो लोग आ रहे हैं और उन्हें आराम मिल रहा है। हमारे सामने इस समय एक महिला है जिन्हें गठिया वाय की दिक्कत है और लाइव टेस्ट में आप यहाँ पर देखिए कि ये खुद बोलती हुई नजर आएंगे, इन्हें क्या आराम है, क्या दिक्कत है। अभी इन्हें दर्द हो रहा है और महाराज जी जो हैं वही मंत्रों के माध्यम से इन्हें आराम पहुँचाएंगे। जय संकट, पूरी बीमारी भस्म कर दे। पूरी बीमारी भस्म कर दो। जय विष्णु जी परमा जी, पूरी बीमारी को भस्म कर दो। ओम नमो भगवती वासुदेव। इसी शिवा पूरी बीमारी भस्म कर दो। ओम नमो अंजनी माता आदिस्ता भगवान जी को। ओम नमो हमारा मान पूरी बीमारी भस्म कर दे, हटा दीजिए भाई। ऐसे कंधे से लगा के ऐसे 5-5 बार फिरो, पहले एक पे 5 बार फिरिए। अब उस पर फिर दो, अब बताइए दर्द, अब बताओ हमें दर्द कंधे में, अब तो नहीं हो रहा हो? अब पहले से कितना है? थोड़ा सा है, उंगली लगाओ जितना थोड़ा सा है, एक उंगली रखो ऐसे घूम जाओ उस तरफ, देखो हनुमान जी महाराज तरफ, जहाँ थोड़ा सा होता है उंगली लगाओ, ऐसे लगा रहो और मन में वो शिवाय बोलो। जय शंकर जी बोलो, जहाँ थोड़ा दर्द ऐसी समाप्त हो जाए, जय शंकर जी बोलो, ऐसी पूरी बीमारी जान। पूरी बीमारी भस्म कर दे। जय विष्णु चला दो। नमो भगवते वासुदेव। इसी समय लक्ष्मी जी पूरी पुरानी से पुरानी बीमारी भस्म कर दो। महाराज कर मां बगला इसी समय से बीमारी चला दो, हटा दो। तो मैं साथ में फिर दो, 5 बार हाथ फिर दो गर्दन से लगा के, हाँ फिर दो ऐसे 5 बार दोनों हाथ लगा के फिरो ऐसे। हाँ अब बताओ, अब तो नहीं है? और बताओ और कहीं दर्द? अब इधर है, रुक जाओ, एक एक करके बताओ। जैसे यहाँ का सही हो गया, अब यहाँ का बताओ, यहाँ कहाँ है? ऐसी उंगली लगाओ, एक उंगली लगा रहा मन में शिवाय बोलो। तो हनुमान जी की कृपा से संतोषपुरी जी महाराज हैं वो यहाँ पर केवल भगवान के सामने जो मूर्ति है इनके सामने उनसे प्रार्थना करते हैं और कुछ मंत्र बोलते हैं और उसके बाद जो जिनको दर्द हो रहा है उनका दर्द झाड़ते भी हैं, नींबू लगाए जाते हैं, उसके बाद थोड़ी देर बाद वो मंत्र उच्चारण करते हैं, 5 बार फिर उसको झाड़ने के लिए बोलते हैं, उसके बाद वो वहाँ का दर्द है वो ख़त्म होता हुआ नजर आता है। खुद जो जिन्हें दर्द हो रहा है वो खुद बोलती हुई नजर आती हैं और ये लगातार इस प्रकार का निरंतर चलता रहता है। और बताओ अब इसमें है, इसमें लगा उंगली ऐसे, देखिए ऐसे देखिए सामने जगह जगह जहाँ पहले मैं था, इसके बाद यहाँ हाथ की कोहनी में दर्द था, यहाँ का और कंधे का और हाथ की कोहनी का दर्द खत्म हुआ, दूसरे हाथ की कोहनी का दर्द है वो इनका महाराज जी फिर से सही कर रहे हैं और दर्द दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार
जो भी आते हैं वो इसी प्रकार का बोलते हुए नजर आते हैं। हम लोग ये लगातार देख भी रहे हैं मांझीलाल धाम पर इस प्रकार का चमत्कार, मान लीजिए लोग इसके लिए कुछ भी कहते हैं, अंधविश्वास बोलते हैं, कुछ भी मान लीजिए, लेकिन कहीं कहीं ना कहीं अगर भगवान हैं तो वहाँ पर भाव भी हैं, भाव हैं तो फिर चमत्कार भी है। कुछ इसी प्रकार का चमत्कार मांझीलाल धाम पर हम लोग देख रहे हैं, जहाँ केवल मंत्रों के माध्यम से आराम कहीं ना कहीं लगता हुआ नजर आता है। एक महिला है जिनके लिए गठिया बाई की बताइए लगातार दर्द हो भी रहा है। अब तो नहीं है, अब घुटने में है, दो टुकड़े दो। तो इन्हें दर्द था, पहले कंधे पर दर्द था, फिर दोनों हाथों की कोहनी पर दर्द था, और मंत्रों के माध्यम से कंधे और दोनों हाथों की कोहनी का दर्द जो है वो अभी हाल ठीक हुआ है। संतोषपुरी जी महाराज जी ने केवल मात्र जो है मंत्रों के माध्यम से और सामने जो विराजमान मूर्तियां हैं उनसे प्रार्थना की है, और उसके बाद यह आराम इन महिला जो हमारे साथ उनके लिए लग रहा है। पूरी बीमारी भस्म कर दी इस समस्या। पूरी बीमारी जाने जय विष्णु जी। पूरी बीमारी घुटने के दर्द में भस्म होना चाहिए, घुटने की बीमारी अभी हल सही होना चाहिए। अंजनी माता अधिष्ठान माँ बगला मुखी हटा दीजिए, हटा दो, पांच बार हाथ फेर दो घुटने से ऐसे लगा के फेरिए। चलिए अब बताइए घुटने में दर्द, जहाँ निब्बू लगाओ तो उंगली लगाई थी वहाँ अब तो नहीं है, अब तो नहीं है। और बताओ और कहीं हो इस गठिया बाई का दर्द, ऐसे घूम जाओ कमर से पांच बार फेर दो, फिर जहाँ से दर्द है जय हनुमानी मन जैसे पूरी बीमारी चला दो। चलो अब बताओ, अब तो नहीं है। क्या साल से दर्द था जी आपको? दो साल से। इलाज करा लिया था? कहाँ कहाँ? और ललितपुर करवाया है इलाज। अच्छा, इलाज कराने से कोई फायदा नहीं? नहीं, झरवा है दो तीन बार। कहाँ कहाँ झरवाओ? अब यहाँ अपने अंजनी धाम आश्रम में कितने धाम हुए? क्या बार अर्जी लग चुकी है? पांचवी बार अर्जी हुई। पांचवी बार में कितने परसेंट आराम है इस समय गठुआ की जो बीमार थी? हाँ नहीं, अब पहले से कितना आराम है जो पांच बार हो चुके हैं? पांचवी बार आए ना तो नहीं, तो हमें ये बताओ कि पहले से आराम कितना है? हाँ ये बताओ, 10% 20% 50%, जैसे पांच बार अर्जी लगी तो पहले से कितना अंतर आया ये पूछ रहे हैं। 50% से ऊपर आराम हो गया। अच्छा अच्छा, तो क्या देखो हमारी जो दवाई है जो बराबर लगाई, जो धाम हमने बताया कैसे धाम भी लगातार करना है, क्योंकि समझ लो दो साल से जब डॉक्टर ने ठीक नहीं कर पाया तो थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, क्योंकि गांठों गांठों में दर्द होता है जो गठिया बाई बोलते हैं, इसमें सूजन भी आ जाती है। सर्दियों में काम कम करो, सर्दियों में ज़्यादा काम करोगे तो सूजन आ जाती है, सुनपन होने लगता है हाथों में, होता है तड़कते हैं जिसमें। ठीक, इसमें मालिश करिए, गैफ नहीं करिए, जो बीच में अभी चुका दिया था अब नहीं चुकाइए। हाँ, अगर चुकाओगे तो फिर आराम से तरीके से, क्योंकि जो दवा हो या दुआ हो वो बराबर चलती रहे तो पूरा रिलीफ मिलता है। ठीक है, हाँ हाँ, वो तो बराबर चला, जैसे डॉक्टर का दवाई पूरी लगातार खाना है रोज प्रतिदिन, तो बराबर खाने तब उसे रिलीफ मिला। ऐसी भगवान की है कि दुआ जो में जिस दिन धाम आने वो तो बराबर करिए। तो मांझीलाल धाम पर लगा पांच लगा दवाई की चीजें हो रही हैं, असाध्य रोगों को छारा जा रहा है और केवल मंत्रों के माध्यम से ठीक किया जा रहा है। ये महिला है, आंखों के लाने दवाई लटिया हुआ है, काफी सालों से परेशान थी, तमाम जगह इलाज भी करा चुकी है। अभी आपके सामने देखा, पहले यहाँ कंधे पर दर्द था, फिर हाथ की कोहनी में दर्द था, फिर कमर में दर्द था और यहाँ पैरों में दर्द था। तमाम दर्द ठीक होता हुआ नजर आया, खुद है बोलती हुई नजर आई। और जिन्हें भी इस प्रकार की दिक्कत है उन्हें कई धाम करने पड़ते हैं, और तमाम बीमारियों के अलग अलग समय है कि आपको पाँच बार आना है, किसी को 10 बार आना है, और उस तरीके से फिर वो कहीं ना कहीं ठीक होती हुई नज़र भी आती हैं।
तो यही है मांझीलाल धाम का चमत्कार कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, आपका विश्वास, आपका भरोसा। और सामने कुछ दरबार है, भगवान का मंदिर है, या कहीं कुछ भी मान लीजिए, और वहाँ पर केवल प्रार्थना की जाती है और फिर उन्हें आराम मिलता है। तो मांझीलाल धाम जो ललितपुर ज़िले में स्थित है, रजवाड़ा के पास में यह स्थान है, जो ललितपुर शहर मुख्यालय से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो यह दावा करता है कि जो असाध बीमारियाँ, खासतौर से कैंसर की बीमारी, वो यहाँ पर ठीक हो रही है। और भी लोग हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे। नमस्कार।